स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स के बारे में है इस सिलसिले की आपके साथ डिस्कस किया था पेपर पैटर्न जो के बोर्ड की तरफ से इशू हुआ है फॉर दी एफएससी बायोलॉजी पार्ट टू प्रैक्टिकल्स तो आज इस सेकेंड वीडियो के अंदर हम लोग लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं जो आपने कम से कम परफॉर्म करने हैं या आपको आना चाहिए तो उनको करने से ये कि आपका जो पेपर है वो मुकम्मल तौर पर अटेम्प्ट हो सकता है तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती मिलती रहें तो स्टार्ट लेते हैं हैं सबसे पहले स्लाइड्स स्लाइड्स जो स्लाइट्स हमें मिलती हमने इनको प्रिपेयर नहीं करना आपको प्रिपेयर स्लाइड मिलेगी सिर्फ आपने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना होता है और इसमें आपके पास जो है वो स्लाइड है पेंक्रियास की और उसके बाद है थायरॅड की तो ये दो ग्लैंड्स हैं हमारे पास इनके स्लाइड्स हैं प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर आप जो प्लेन पेजेस होते हैं उन प्लेन पेजेस के ऊपर आप सिर्फ इनकी डायग्राम्स बनाएंगे और इनको लेबल कर देंगे इसमें आपको प्रोसीजर क्योंकि आप स्लाइड बना नहीं रहे तो आपको प्रोसीजर वगैरह लिखने की कतन जरूरत नहीं है इस तरह से स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रफर्टी एट आवर एंड टू आवर्स दो स्लाइड्स हैं एक एम्ब्रियो है और एक सेवेंटी टू आर ची है अगेन एफ एस सी लेवल के लिहाज से इन स्लाइड्स की, की बात है तो एफ एस सी लेवल पे हम लोग इनकी प्रशन नहीं करते आपको ये प्रिपेयर्ड स्लाइड्स मिलेंगी सिर्फ आपने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना होता है तो अगेन आपके पास जो ब्लैक पेजेस मुकम्मल ब्लैंक पेजेस दोनों होती हैं आप उन पेजेस के ऊपर एक पेज के ऊपर फोटी एट आर सी कैमरे के डायग्राम बना दीजिए और एक के ऊपर सेवन आर सी कैमरे की और आप उसको लेबल कर दीजिए उसके बाद स्टडी ऑफ पॉलिटिन क्रोमोसम अगेन ये स्लाइड भी आपको प्रिपेयर्ड मिलेगी सिर्फ आपने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना होता है और अगेन आप इसकी जो है लेबल डायग्राम बनाएंगे प्लेन पेजेस के ऊपर लास्ट पे जो आपको नजर आ रहा है ये स्लाइड आपको खुद से प्रिपेयर करना होती है कॉकरोच लेग मसल्स आप सेपरेट करते हैं मसल्स होते हैं ये स्कैल्टल मसल्स होते हैं और आप उससे उसकी स्लाइड प्रिपेयर करते हैं और स्लाइड को प्रिपेयर करने के बाद आपको एग्जामिनर को उसको फोकस करके शो करना होता है तो ये एक परफॉर्मेंस की तरफ जा सकते हैं ये प्रैक्टिकल तो आपको ये स्लाइड बनानी आनी चाहिए ऑब्वियस ऑबियसली बात है माइक्रोस्कोप के नीचे फोकसिंग भी हमें आनी चाहिए बिकॉज आप एग्जामिनर को फोकस करके दिखाते हैं तो ये वो स्लाइड्स हैं जो हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस से बिलोंग करती हैं याद रहे कि इस साल जो है वो फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल हैं वो सिलेबस का हिस्सा नहीं सिर्फ सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल्स जो सिलेबस का हिस्सा हैं तो इसमें जो फर्स्ट ईयर की स्लाइड्स हैं वो मैंने मेंशन नहीं की सिर्फ सेकेंड ईयर की स्लाइड्स हैं लाइकवाइज के अंदर माइटोसिस और मियोसिस की जितनी स्टेजेस होती हैं प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और उनकी स्लाइड्स भी प्रिपेयर्ड स्लाइड्स अवेलेबल होती हैं आप उनको भी प्रिपेयर करके जाएं और ये जितनी स्लाइड्स होती हैं इनकी आपको रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है एक एक रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन तो इन स्लाइड्स की रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो करूंगा तो उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस किस स्लाइड की क्या रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन है और वो रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपको पेपर के अंदर लिखना होती है जो मैंने आपके साथ पेपर पैटर्न शेयर किया था तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसको अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो जो है है उसके अंदर उसने जो है, वो डिस्कस किया हुआ स्लाइड्स की आइडेंटिफिकेशन की आइडेंटिफिकेशन के फंक्शन वगैरह तो इसलिए हमें इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बाद स्केल्टन है स्केल्टन में आपने सिर्फ डायग्राम्स बनानी है इसमें कोई डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं प्लेन पेजेस के ऊपर

जेंटल सिस्टम ऑफ द फ्रॉग है उसको डाइसेट करेंगे और उसका जेंटल सिस्टम स्टडी करेंगे इस तरह से कॉकरोच नर्वस सिस्टम है स्टडी ऑफ मसल ट्विच इसमें आप फ्रॉग का ही मसल रिमूव करते हैं और मसल ट्विच के लिए उसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं फिर स्टडी ऑफ हाइड्रोफाइट्स हाइड्रोफाइट जीरो स्टडी ऑफ प्रिपेयर ऑफ स्कैल्टल स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स अगेन ये बनी बनाई स्लाइड्स होती हैं सिर्फ आपने इनको ऑब्जर्व कर लेना होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपजम तो इसमें आप पेट्रीटिश यूज़ करते हैं, हैं क्लाइनोस्टैट यूज़ करते हैं तो ये आपको परफॉर्म करना भी आना चाहिए लेकिन इसमें रिजल्ट आपको इमिजिएटली मिलते हैं तो आप ऑपरेटर सेट करके एग्जामिनर को दिखा देते हैं उसके बाद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हैं है। ये भी परफॉर्मेंस बेस्ड प्रैक्टिकल है फिर प्रेपरेशन ऑफ रूट टिप्स क्वेश्चन टू स्टडी स्टेजिज ऑफ माटासिस इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट सॉइल टेक्स्र इन्वेस्टिगेशन ऑफ अप्रॉक्सीमेट सॉइल मॉइस्चर और आखिर में इन्वेस्टिगेशन ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब तो इनमें से शायद आपको आखिर के दो चार प्रैक्टिकल्स ऐसे लगें कि ये अनइम्पॉर्टेंट है लेकिन अगर हम पास पेपर्स को उठा के देखते हैं तो ये पहले पास पेपर्स में आते रहे हैं तो ये मिनिमम प्रैक्टिकल्स हैं जिनको आप प्रिपेयर करके जाएंगे इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन ये मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ़ प्रैक्टिकल्स है वैसे असूल तो ये बनता है कि जो आपका सारा सिलेबस आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इनमें से कम से कम एक प्रैक्टिकल जो है वो आ रहा होगा आपको एग्जाम के अंदर तो आप उसको करने के काबिल हो जाएंगे जहाँ तक प्रैक्टिकल कॉपी का ताल्लुक है कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे कि जी क्या प्रैक्टिकल कॉपीज में सारे प्रैक्टिकल्स लिख रहे हैं तो सारे प्रैक्टिकल्स लिखने की जरूरत नहीं है इस वीडियो के अंदर जो प्रैक्टिकल्स मैंने आपको बता दें आप सिर्फ यही लिख लें तो ये काफ़ी हैं हाँ अपनी प्रैक्टिकल कॉपी के ऊपर डेट्स मेंशन कीजिएगा एक्सपेरिमेंट नंबर मेंशन कीजिएगा और अपने टीचर से सिग्नेचर लाजमी तौर पर करवा लीजिएगा उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए थैंक यू वेरी मच